कोरोना टीकाकरण के 1 मई से महंगे होने की संभावना है और कई पार्टियों ने केंद्र सरकार की वैक्सीन की बिक्री को उदार बनाने और कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने की नीति पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि सरकार को वैक्सीन की एक कीमत तय करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी हर समय एक देश एक पार्टी एक नेता का नारा लगाती है, लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उनके पास वैक्सीन की एक कीमत नहीं है। हर भारतीय को उम्र जाति पंथ स्थान से परे फ्री वैक्सीन की जरूरत है। कोविड वैक्सीन की एक कीमत तय करने का लक्ष्य होना चाहिए, फिर चाहे इसका भुगतान केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार। आपको बता दें कि कोविशील्ड टीके के हर डोज के लिए राज्यों को 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए देने होंगे, जबकि केंद्र सरकार को वैक्सीन रियायती रेट पर मिलता रहेगा। केंद्र सरकार को कोविशील्ड 150 रुपए डोज और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन 206 रुपए डोज के हिसाब से मिल रहा है। आपको बता दें कि भारत में अगले कुछ महीने में रूस का वैक्सीन स्पुतनिक वी भी उपलब्ध हो जाएगा। स्पुतनिक वी के निर्माता डॉक्टर रेड्डी ने कहा है कि एक टीके की कीमत करीब 750 रुपए हो सकता है, हालांकि इस बारे में बातचीत अभी जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को लिखे लेटर में इस निर्णय को सख्त बताया है। सोनिया ने कहा इसके मायने ये हैं कि राज्यों को टीकाकरण के लिए अब यह अधिक कीमत चुकानी होगी, इससे राज्य सरकारों की आर्थिक व्यवस्था भी खराब हो जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि एक ही वैक्सीन निर्माता कंपनी की आखिर 3 अलग अलग कीमत कैसे हो सकती है। स्पेशल न्यूज डेस्क नवदीप टुडे दिल्ली।